नई न्यूज, मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम फ्यूचर बॉलीवुड। दोस्तों, फ्यूचर बॉलीवुड में हम जहां हमेशा बात करते हैं स्टार किड्स के बारे में, आजकल स्टार किड्स फेमस स्टार से भी ज्यादा खबरों का हिस्सा देखे जाते हैं। तो भाई, अब फिर आराध्या बच्चन कैसे पीछे रह सकती है? जी हाँ दोस्तों, ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन की लाडली बेटी आराध्या बच्चन भी लाइमलाइट बटोरने में उनसे कम पीछे नहीं है। जब भी नजर आती हैं तो मीडिया की नजरें ऐश्वर्या से ज्यादा अब आराध्या पर देखी जाती हैं। लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं उसे जानकर आपको भी हैरानी होगी। दरअसल बता दें कि आराध्या ने इतनी कम उम्र में अपने ही परिवार के दो टुकड़े करा दिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब हम आपको बताएंगे इन सब बातों की सच्चाई। गौर हो कि जहाँ आराध्या को हमेशा ही उनके परिवार के साथ देखा जाता है, जहाँ अक्सर ही आराध्या बच्चन नजर आती हैं अपने दादू अमिताभ के साथ, अपने पापा अभिषेक, माँ ऐश्वर्या, तो वहीं बुआ श्वेता के साथ भी नजर आती हैं। लेकिन अगर किसी के साथ नजर नहीं आती आराध्या तो वो है उनकी दादी जया बच्चन। गौर हो दोस्तों कि इन दोनों की तस्वीरें बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आराध्या अपनी नानी वृंदा के बेहद करीब हैं। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अक्सर जब ऐश्वर्या अपनी माँ से मिलने जाती है तो बेटी आराध्या भी उन्हीं के साथ होती है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि आराध्या अपनी दादी जया बच्चन के अलावा अपनी नानी वृंदा के ज्यादा करीब है। अक्सर ही वृंदा के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आती ही रहती हैं, जिससे हमेशा ही ये सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों जया बच्चन के साथ आराध्या की तस्वीरें सामने क्यों नहीं आती? क्या जया बच्चन पसंद नहीं करती आराध्या को, या फिर आराध्या ही अपनी दादी जया बच्चन के साथ रहना पसंद नहीं करती है? बजाय दादी के साथ रहना वो नानी के साथ रहना पसंद करती है। चलिए दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको आराध्या बच्चन से जुड़ी कुछ ऐसी ही ताज़ा खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन हमेशा ही किसी ना किसी बात को लेकर खबरों में रहती हैं। ठीक उसी तरह से उनकी बेटी आराध्या भी कम नहीं है किसी से भी लाइमलाइट लूटने में। इसी के साथ बता दें, वैसे तो आराध्या को हमेशा ही किसी ना किसी के साथ स्पॉट किया जाता है। अपने दादा अमिताभ, पापा अभिषेक के साथ अक्सर ही देखा जाता है आराध्या बच्चन को, जहां वो हमेशा ही बेहद क्यूट नजर आती हैं। तो गौर हो, आराध्या को उनकी दादी जया बच्चन के साथ बहुत ही कम देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ आराध्या को उनकी नानी वृंदा के साथ हमेशा ही देखा जाता है। अब दोस्तों, इस बात पर कई बार सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर क्यों आराध्या अपनी दादी से भी ज्यादा नानी के साथ रहना पसंद करती है? क्या जया प्यार नहीं करती आराध्या को, या फिर आराध्या ही पसंद नहीं करती अपनी दादी जया बच्चन को? बजाय इसके वो अपनी नानी वृंदा के साथ बेहद खुश देखी जाती हैं। अक्सर ही इनकी तस्वीरें भी सामने आती हैं जिसमें आराध्या नानी के साथ मस्ती करती भी नजर आती हैं, जिससे उठते हैं अक्सर ही सवाल। लेकिन कभी भी इन बातों का कोई भी जवाब नहीं मिलता। लेकिन अगर गौर किया जाए तो जहां अक्सर ही ऐश्वर्या को उनकी माँ के साथ देखा जाता है, तो वहीं आराध्या भी उसी तरह से अपनी नानी के करीब नजर आती हैं। हर कुछ समय बाद आराध्या की तस्वीरें उनकी नानी के साथ आती रहती हैं। तो वहीं दादी जया बच्चन के साथ आराध्या को कम ही देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों की तस्वीरें बेहद ही कम देखने को मिलती है, जबकि आराध्या अपने दादा अमिताभ बच्चन, अपने मम्मी पापा की बेहद लाडली हैं। दादा अमिताभ के साथ तो उनको कई बार देखा भी जाता है, लेकिन अगर नहीं देखा जाता किसी के साथ तो वो हैं दादी जया बच्चन। स्टार किड्स की लिस्ट में टॉप पर अपना नाम दर्ज करने वाली आराध्या बच्चन जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की पोती होने की वजह से उनको हमेशा ही लाइमलाइट मिली है। तो साथ ही ऐश्वर्या की लाडली बेटी होने की वजह से आराध्या को हमेशा ही लोगों की लोकप्रियता हासिल हुई। तो वहीं अक्सर ही देखा जाता है आराध्या को उनकी माँ के साथ, जहाँ वो हमेशा ऐश्वर्या के साथ वक्त बिताती नजर आती है। लेकिन हाल ही में ऐश्वर्या ने बेटी आराध्या के साथ जो किया वो आपको भी हैरान कर देगा। दरअसल बता दें, हाल ही में दोनों की एक फोटो आई है सामने, जिसमें ऐश्वर्या बेटी आराध्या के साथ नजर आ रही है। लेकिन वो दबा रही है आराध्या का मुंह,
और इसे देखकर लग रहा है कि आराध्या को काफी दर्द हो रहा है और वो रोने ही वाली है। वेल बता दे दोस्तों, दोनों की एक काफी क्यूट फोटो है जिसमें दोनों ही माँ बेटी की बॉन्डिंग देखने को मिली है। नजर आ रहा है इस फोटो में दोनों के बीच का प्यार जिसे आप भी देख सकते हैं। स्टार किड आराध्या बच्चन ना सिर्फ अपने परिवार की लाडली है बल्कि वो फैंस की भी खूब चहेती है। आराध्या को अक्सर ही उनकी मम्मा ऐश्वर्या के साथ स्पॉट किया जाता है जिसमें नजर आता है इन दोनों माँ बेटी के बीच का प्यार। तो साथ ही बता दे दोस्तों, जहाँ हमेशा ही आराध्या को लविंग मॉम ऐश्वर्या के साथ किया जाता है स्पॉट, तो वहीं माँ ने रिपोर्ट्स की तो आराध्या माँ से भी ज्यादा अपने दादा अमिताभ के साथ रहना पसंद करती है। इतना ही नहीं, अपने पापा अभिषेक के भी बेहद क्लोज है आराध्या बच्चन। आराध्या बच्चन हमेशा ही किसी ना किसी बात को लेकर खबरों में रहती हैं। तो वहीं लोगों की नजरें भी बराबर इसी बात पर बनी रहती हैं कि आराध्या आखिरकार क्या करती हैं, क्या कर रही हैं। इसी के साथ बता दे, आराध्या भी इस उम्र में अच्छे से जानती हैं किस तरह से उनको अपने घर से बाहर आने के बाद रिएक्ट करना है। जाहिर सी बात है, किसी सेलिब्रिटी के घर पैदा होना कोई आम बात नहीं है। जिस तरह से फिल्मी परिवार से ताल्लुकात रखती है आराध्या, तो जाहिर सी बात है कि फैंस की नजरें भी हमेशा उन पर बनी रहती है। अक्सर ही देखा जाता है आराध्या जब भी मीडिया के सामने आती है तो काफी खूबसूरत तरीके से वो मीडिया को फेस करती है। इतनी कम उम्र में इस तरह का उनका बिहेवियर हमेशा ही लोगों को अचंभित कर देता है। लोकसभा चुनाव में जहां देश का अगला प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो वहीं बता दे दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी भविष्यवाणी हुई है कि अगले कुछ समय में बच्चन परिवार की लाडली बेटी आराध्या बच्चन बनने वाली हैं देश की प्रधानमंत्री। वेल, कहीं ना कहीं इस खबर को सुनकर बच्चन परिवार के भी होश उड़ जाएंगे। आपको कराते हैं इस पूरी खबर से रूबरू। हाल ही में भविष्यवाणी की गई है बच्चन परिवार की लाडली बेटी आराध्या बच्चन राजनीति में आगे तक जाने वाली हैं। तो वहीं साथ ही बता दें, अमिताभ की पोती के बारे में सुझाव देते हुए ज्ञानेश्वर ने कहा कि अगर भविष्य में आराध्या भारत की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं तो उन्हें अपना नाम बदल कर रोहिणी कर लेना चाहिए। गौरतलब है इससे पहले अमिताभ बच्चन भी साल 1989 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति छोड़ दी। ज्ञानेश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुनाव जीतने की भी भविष्यवाणी की है। अब भले ही भविष्यवाणी सुनकर बच्चन परिवार की होश उड़े, लेकिन कहीं ना कहीं सारा परिवार इस बात से खुश भी हो रहा होगा कि आराध्या इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त करने वाली हैं और सारे देश दुनिया में करने वाली हैं अपने खानदान का नाम रोशन। वेल दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। जब आपने देखा आराध्या बच्चन को लेकर, जो अपने क्यूटनेस से हमेशा ही लोगों का दिल लूटती हैं, जहां हमेशा ही आराध्या को देखा जाता है उनकी माँ ऐश्वर्या के साथ, तो वहीं अपनी नानी के भी बेहद करीब है क्यूट सी आराध्या बच्चन। वहीं पिछले कुछ समय पहले गौर हो कि सोशल मीडिया पर इनकी एक वीडियो खूब वायरल हो रही थी जिसमें आराध्या अपनी नानी के पास जाने की जिद करती हैं, लेकिन ऐश्वर्या उन्हें मना करती हैं कि उन्हें घर जाना होगा, लेकिन वहीं आराध्या नहीं मानती और नानी के साथ जाने की जिद लगातार ही करती रहती हैं। अब इस बात से ये तो आप समझ गए होंगे कि जितना प्यार आराध्या को उनके परिवार वालों से मिलता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार उन्हें अपनी नानी से मिलता है। शायद यही वजह है कि आराध्या को जया बच्चन के साथ कम और उनकी नानी वृंदा के साथ अधिक देखा जाता है। तो आए दिन ही सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें भी खूब वायरल होती रहती हैं। हाल ही में एक बार फिर से ऐश्वर्या, आराध्या और उनकी नानी को साथ में देखा गया, जिससे एक बार फिर से इन तीनों ही माँ बेटी की पर्सनल बॉन्डिंग साफ साफ नजर आई है। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।